भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में दक्ष थे। एक ओर वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे तो दूसरी ओर वे द्वंद्व युद्ध में माहिर थे। इसके अलावा उनके पास कई अस्त्र और शस्त्र थे। उनकी नारायणी सेना महाभारत काल की सबसे खतरनाक सेना थी। श्री कृष्ण ने ही कला रेबिट नामक युद्ध कला को ईजाद किया था, जिसे आजकल मार्शल आर्ट कहते हैं। भगवान के धनुष का नाम शारंग था, उनके खड़ग का नाम था नंदक, गदा का नाम कौमेदकी और संघ का नाम था पांचजन्य, जो गुलाबी रंग का था। महाभारत कृष्ण के पास दो बहुत ही दिव्य रथ थे, पहले का नाम था गरुध्वज और दूसरे का नाम था जय। गरुध्वज के सारथी का नाम था दारुक और उनके अश्व का नाम था शैव्य सुग्रीव। श्री कृष्ण के जेत्र नाम के एक सेवक भी थे, रथ भी था। श्रीमद् भागवत महापुराण में इन रथों का उल्लेख मिलता है। गरुध्वज रथ बहुत तेज गति से चलने वाला रथ था। रुक्मणि का हरण इसी रथ पर सवार होकर किया गया था। कहते हैं कि यह हाथी के वेग के समान मंदिर के पास क्षण भर के रुका और श्री कृष्ण ने राजकुमारी रुक्मणि को तुरंत रथ पर बिठाया। रथ के अश्व पूरे वेग से दौड़ चले। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण यह रथ स्वर्ग से लेकर आए थे। बिहार के राजगीर में कुछ फोर्ट्स हैं जिनका ताल्लुक महाभारत काल से। इनमें से एक है श्री कृष्ण के रथ के निशान। इसे लेकर ऐसी कहानी प्रचलित है कि श्री कृष्ण महाभारत अपना रथ लेकर स्वर्ग से यहाँ उतरे। आशा और उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण।